मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट में और हम जाने वाले हैं, आज अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है एक छोटा सा सुंदर सा हिल स्टेशन जिसका नाम है चिखलदरा। तो हम आज विजिट करने वाले हैं चिखलदरा, और चिखलदरा जाने के लिए बहुत ही सुंदर मेलघाट लगता है जो दिखने में भी बहुत सुंदर है। तो आपको मैं कराऊंगी आज चिखलदरा का पूरा टूर, तो चलते हैं फिर। आदिवासी एरिया है, मतलब ज़्यादातर मेड़घाट में आदिवासी लोग रहते हैं। और पहले तो यहाँ पे कुछ अवेबिलिटी नहीं थी, मतलब रास्ते ख़राब थे और यहाँ पे आने के लिए भी ज़्यादा कुछ व्हीकल्स वगैरह नहीं थे। लेकिन अब मेड़घाट बहुत ही डेवलप हो गया है, रोड भी बहुत अच्छे हैं, आपको कहीं पे भी मेड़घाट में ख़राब रोड नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे एक अलग ही शांति है, ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं रहती, मतलब रहती है लेकिन मॉनसून में रहती है। अभी आप अगर आए मॉनसून छोड़ के, अभी हम आए हैं, अभी कौन सा महीना शुरू होता, सितंबर, अभी हम सितंबर में आए हैं, तो भी ज़्यादा यहाँ पे रश वगैरह नहीं है, मस्त शांत से हम घूम रहे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं आपको मेड़घाट के। और रास्ते में ये सुंदर से वाटरफॉल भी लगते हैं, यहाँ पे आप बैठ के फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो। और ज़्यादातर यहाँ पे होटल्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, मतलब मिलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो अगर आप खाना कैरी कर सकते हो घर से तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे आप पिकनिक वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत से स्पॉट है जहाँ पे आप बैठ के शांति से खाना खा सकते हो, तो आप मेड़घाट को ज़रूर विजिट करिए। रास्ते में ही आपको पड़ेगा गणपति संग्रहालय। इस संग्रहालय में हर टाइप की गणेश मूर्ति आपको दिखेगी और अच्छे से उन्होंने पूरी कलाकारी की है इस संग्रहालय में। आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि कार में भी गणपति है और यहाँ से बहुत सारे ऐसे टाइप के गणपति है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ की टिकट है सिर्फ 50 रुपीज़ पर पर्सन, तो आप यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ की कलाकृति, यहाँ का आर्ट आप एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो, तो यहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिए।
खूबसूरत है। आपको मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत सा एक वाटरफॉल दिख रहा होगा और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। ऐसे यहाँ की कहानी है कि महाभारत के जो भीम थे उन्होंने किचक नाम के राक्षस का वध किया था और उनका वध करने के बाद यहाँ पे उन्होंने इस कुंड में हाथ धोए थे। ऐसी यहाँ की कहानी है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं। ये है चिखलदरा का लोकल मार्केट। यहाँ पे आपको डेली यूजेस की सभी चीज़ें मिल जाएगी और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। और ये है चिखलदरा का फेमस स्वीट मार्ट। यहाँ पे आपको मिठाई तो मिलेगी ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत ही फेमस कलाकंद और रबड़ी मिलेगी। यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करना। क्या लिया है तुमने अभी? रबड़ी। कैसे टेस्ट? बहुत सही है। और ये फ्रेश रबड़ी है, इन्होंने फ्रेश बनाई। कलाकंद कितने का है? दोनों 30-30 रुपीस का है। कैसा? सही है, मस्त एकदम। ये भी उन्होंने फ्रेश बनाया हुआ है यहाँ पे श्री कृष्ण स्वीट। अभी हम कुछ खाएंगे, जैसे मैंने लिया है चना मसाला और मैंने मैगी भी ऑर्डर की है, तो थोड़ा सा खाएंगे यहाँ से और फिर जाएंगे यहाँ से देवी पॉइंट। डन। कैसी है मैगी? अच्छी है, टेस्टी है बहुत। यस, एंजॉय। यहाँ पे एक छोटा सा देवी का मंदिर है, लेकिन ये पॉइंट चिखलदरा में सबसे पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे बहुत से एक्टिविटी करने के लिए है। साइकिलिंग है, कैमल राइड है, हॉर्स राइडिंग है, एटीवी राइड्स है। तो पूरे चिखलदरा में ज़्यादातर रश इसी पॉइंट पे रहते हैं और अभी दोपहर का टाइम है इसलिए शायद यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन है फिलहाल। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे देवी पॉइंट देखने के लिए, देवी का मंदिर देखने के लिए, तो चलते हैं। आ जाओ। ये है देवी का मंदिर और यहाँ पे पूरा रॉक है बड़ा वाला और यहाँ से पानी भी मतलब टपकता रहता है, आप जैसे देख रहे हो वीडियो में, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। बाजू में ही है छोटा सा प्यारा सा और सुंदर सा वाटरफॉल जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो रुतु? नाम का किचन ढूंढ रहा हूँ। कौन से नाम का ढूंढ रहे हो? रश्मि का तो मिल गया। रश्मि मिल गया, रेखा मिल गया, करण ढूंढ रहा हूँ। हर नाम का किचन मिलेगा यहाँ पे। ये सुंदर और क्लीन लेक एग्जैक्ट देवी पॉइंट के बाजू में ही है, यहाँ पे आके आप बोटिंग कर सकते हो। तो ऐसा था चिखलदरा हिल स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप एक बार जरूर विजिट कीजिए मेड़घाट को। और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जैसे सेमेडो है, कोलकाज है घूमने के लिए, आप वहाँ पर भी जा सकते हो। और हमने तो यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, बस अभी खाना खाते हैं और निकलते हैं घर की ओर। और आप कभी भी मेड़घाट आए या कहीं पे भी आप घूमने जाओ तो अपने साथ पॉलीथीन या कुछ भी बैग कैरी करो जिसमें आप कचरा भर सको। और कहीं पे भी आप कचरा मत फेंको, मतलब आपने कुछ खा लिया तो उसके रैपर कहीं पे फेंक दिए। साफ सुथरा जगह बहुत ही अच्छी लगती है घूमने के लिए, जैसा मेड़घाट है उसको वैसे ही रखो, उसको गंदा मत करो कचरा फेंक के।
तो प्लीज़ मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ डस्टबिन का उपयोग करें या फिर अपने साथ कोई बैग कैरी करें कचरा के लिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।